गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त राकेश मिश्रा हाजिर है इस मंडे मॉर्निंग की सभा में ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। दोस्तों, आपसे 12,000 किलोमीटर दूर और आपसे हमेशा की तरह इस मंडे की सभा में हाजिर हूँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा, और टॉपिक के पहले आप सभी लोगों को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बिलेटेड या जहाँ पे भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, और यू नो उन सब भी दोस्तों के लिए और आपके दोस्तों के दोस्तों के लिए फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आशा ही नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है कि आपका जो वीकेंड बहुत ही मस्ती भरा, खुशहालियों भरा, अच्छे खाने पीने के साथ गुजरा होगा। तो चलिए, अब ये वीकेंड वीकडेज की शुरुआत करते हैं। वैसे ही कनाडा में तो लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को छुट्टी है कल, लेकिन इंडिया में या उस साइड के जो सब कॉन्टिनेंट में हो सकता है वर्किंग हो। तो चलिए, हम एक इस वीक की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका टॉपिक है दोस्तों, कि द बेस्ट गिफ्ट फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बस छोटी सी चीज़, एक गिफ्ट, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मेन टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग गेस करें कि वो क्या हो सकता है ऐसा गिफ्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए। तो जहाँ तक रिलेशनशिप की बात दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे, तो रिलेशनशिप कोई बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं होती है। रिलेशनशिप यू नो पेरेंट्स और चिल्ड्रन में हो सकती है, भाई बहनों में हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ हो सकती है, आपके एम्प्लॉयर के साथ हो सकती है, एम्प्लॉई के साथ हो सकती है, आपके नेबर के साथ हो सकती है, द पर्सन यू आर शेयरिंग योर कार राइड आर द पर्सन यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द ट्रेन और कार और प्लेन और बस। ये सारी रिलेशनशिप्स होती हैं। सो मेनी रिलेशनशिप्स वी कम अक्रॉस एवरी डे, हर रोज हम। और अगर देखें तो रिलेशनशिप इतनी इम्पॉर्टेंट है, आज की पूरी जो मार्केट प्लेस है सब रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। अगर आप देखें, इतना बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आज हो गया है, आप फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, कितने भी प्लेटफॉर्म हैं, लोग क्या करते हैं कि अपना लिंक भेज देते हैं और जाके दे स्टार्ट सेलिंग देयर सर्विसेज, हो वी ऑफर दिस सर्विसेज इन बेसिकली यू बाय। नो, दैट इज़ द रॉन्ग वे। फर्स्ट यू बिल्ड रिलेशनशिप, introduce to the person, just talk to them, like for instance on the Facebook, if there is some post you can simply like it, and after the like, if you want, you can just write one little comment, just thank you or nice or something, just one word comment. Yeah, go little more if you want to build a relationship. You can thank you with the name of the person. As we all know कि हमें सबसे अच्छा जो शब्द होता है हमारा अपना नाम। तो अगर किसी को उनके नाम से, अगर मैं आज बात करूँ तो हमारे रेहान साहब ने सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है, तो अगर मैं रेहान साहब को थैंक यू करूँ रेहान साहब के नाम से, कितना पर्सनलाइज हो जाता है एंड यू रियली फील सो क्लोज्ड। या तो दैट इज़ अ थर्ड स्टेप, यू नो, पहले तो आप क्या करें, सिंपली लाइक कर लें, उसके बाद जस्ट एक वर्ड थैंक यू नाइस ये लिख सकते हैं। थर्ड लेवल पे आप उस आदमी या लेडी के नाम से आप कमेंट लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं उस पोस्ट के बारे में कि हो इज रियली नाइस कोट आर यू नो दिस इज लाइफ चेंजिंग आर दिस अप यू नो समथिंग। If you want to go further, you can go on the messenger or the direct message and really appreciate the person, the share he or she did it. And finally, you may just start chatting, or you can just, you know, exchange each other's email or phone number, talk, and you can meet. And, you know, this is called the relationship building, my dear friend. No matter which business you are in today, what you need just 100 client's relationship with you, and that you can replace your salary, or you can have really a very, very a good living, no matter where, which part of the world you live, my dear friend. So, चलिए हम आते हैं। तो आप में से कोई guess करेंगे कि सबसे जो क्या कहते हैं, अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कुछ लोग guess करें
कि वो बेस्ट गिफ्ट क्या होगा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए. तो मैं आई बेसिकली इनवाइट सम ऑफ द वॉलंटियर, आप लोग बताएं कि कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, लंबा चलाने में बहुत हेल्प करता है. बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन जो मैं गिफ्ट यहाँ पे, बड़ा सिंपल से गिफ्ट है. तो कोई गेस करना चाहेंगे आप में से तो प्लीज़ टाइप इफ़ यू वांट टू गेस, और इफ़ यू नो लाइक यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, जस्ट गेस, एनी गेसेस. देखिए जब दोनों तरफ से होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी कुछ यू नो टाइप करेंगे और मैं भी, तो बहुत अच्छा लगेगा तब, बहुत यू नो, नहीं तो वन साइडेड फिर मज़ा नहीं आता है. तो चलिए दोस्तों, चलिए मैं अगर कम से कम कोई गेस करना चाहेंगे तो टाइप करें कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए सबसे जो बेस्ट गिफ्ट है वो क्या है. अच्छा चलिए मैं क्लू देता हूँ. तो दोस्तों आप बताएं कि सबसे मज़ा आपको जो भी गिफ्ट मिलता था, यू नो इन आवर चाइल्डहुड डेज, इवन फॉर दैट मैटर अभी भी है, तो कभी आपने सोचा है, अभी रिसेंटली कभी आपको मिला, सोचिए कि कौन से गिफ्ट पा करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत झूम गए होंगे खुशियों से, लगा होगा वाओ यू फेल्ट सो इम्पोर्टेंट अबाउट योरसेल्फ. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, मे बी रिसेंट और मे बी इन योर चाइल्डहुड डेज. चलिए दोस्तों आता हूँ और बताता हूँ, और बहुत बड़ी उसमें कोई बात नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि दैट कैन चेंज समबडीज लाइफ, दैट कैन हेल्प टू स्टॉप सो मैनी डिवोर्सेज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब दीज डेज. पीपल हैव बिकम सो इम्पेशेंट, या छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों में फैमिली बिखर जाती हैं. तो इसके लिए जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो चीज़ हम यहाँ पे आज डिस्कस करना चाहेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए वो बेस्ट गिफ्ट क्या है. सो दोस्तों वो बेस्ट गिफ्ट क्या है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए, वो है द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट. And that's it. Unexpected. That you receive some gift. It can be some object. It can be some toys. It can be some money. It can be some appreciation. It can be some email. It can be in any form. But unexpected. You have never dreamed of that you are going to get that particular thing as a gift. Oh, that is the best thing. Yeah, because even if you are going to give, you know, a Ferrari to somebody, and if you let them know, maybe your son or maybe your wife or whoever it is, I'm going to get a Ferrari. Of course, you are happy that you are going to get a gift, a Ferrari. You're really happy. But think of that, that you have never dreamed of that somebody will give you, your father or your mother, or your brother, or your sister, or your company, that somebody will give you. You know, of course, many people, they don't like Ferrari. Many people, they don't like cars. So that's a different thing. What I'm trying to say, anything you really love to have it, but you have never dreamed of that you are going to get it, especially from the person who is going to give you as an unexpected, yeah? So that is the best thing, my dear friend. What happened? We get married, yeah? You remember those before getting married, you know, we exchange those conversations, those meetings, those gifts, those roses, those Valentine's days, those dinners, those lunches. And once you get married and after, you know, a few years and then you have kids and then routine life is started and what happened? You forgot those things. Who asked you not to continue that? I am saying it. It's not everybody. Many people, they, you know, you might be continuing, good for you. But most of the people, they get into that routine of, we call it marriage, and we forget to exercise those things which we used to when we met before marriage. Of course, you know, there are challenges in our life, but still. So what happened with the time your wife doesn't expect from you? So suddenly, one day, if you just came early and asked her, okay, let's go for dinner, or you can plan a vacation to Switzerland, or you can plan a vacation to Ooty, or somewhere that she loved to go with you, but she never have dreamed even that you can take her, because that's how been last 10 years in your life, that, oh,
paying the mortgage for the house and paying the children tuitions, paying the car installment and medicines and other things and blah, 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 blah. She cannot even think of that you can take her to Switzerland or you can take her to some, you know, the place. Oh, so this is called the unexpected gift. Yeah. So, you know, like I'm sure, you know, many of you might be doing this already, but you never knew. But now if you do it in a really conscious way, a really intentional way, oh, it will have, you know, not only the person you are going to gift, unexpected gift give you. It, for him or her, it will be a really, you made somebody's day. But even you feel so good. For instance, I always, you know, I tell my coaching client one of the exercises just for to change the mood or really feel great about yourself. So the exercise I ask my client to do is that make a list of 10 people. Just make a list of 10 people who some way in your life have helped you, supported you in some way. Somebody might have maybe lend you a money, or somebody might give you some suggestions, somebody might give you help your family, or some way somebody in your job, in your business, in any way somebody might have helped you in the past. आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे सारे लोग आते हैं जो छोटी छोटी आपकी हेल्प करते हैं और वो बहुत बड़ी हेल्प बन जाती हैं आगे चल करके. तो ऐसे जितने बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की आपाधापी में पढ़ के भूल जाते हैं. तो दोस्तों एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करें और 10 लोगों के ऐसे नाम निकालें. वो आपके एम्प्लॉई हो सकते हैं, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. और 10 लोगों की लिस्ट बनाएं और उसमें क्या करें कि उनको जस्ट, उन्होंने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप उनको थैंक यू बोलोगे या थैंक यू भेजोगे या मिलोगे कुछ करोगे, लेकिन आप जस्ट सेंड देम अ थैंक यू नोट. द बेस्ट वे इफ यू कैन मीट इन पर्सन फॉर डिनर, लंच और कॉफी एंड जस्ट से हे आई वॉन्ट टू मीट यू फॉर 5 मिनट्स एंड देन जस्ट कन्वे दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन यू हेल्प मी एंड दैट हैड मेड अ बिग इम्पैक्ट. बहुत मेरी ज़िंदगी में आपकी वो हेल्प काम आई और आज जो कुछ भी हूँ उसमें उस हेल्प का बहुत बड़ा हाथ है. जस्ट यू नो कितना बड़ा दिल, कितनी खुशी उस आदमी या इंसान को होगी, चाहे वो यू नो मैन वुमेन जो भी हो, लेकिन आपने थैंक यू दिया, उनको अपने आप में इतना प्राउड फील होगा कि वो आपके काम आए और आप उसको आज एक्सेप्ट कर रहे हैं और थैंक यू दे रहे हैं. या तो इन पर्सन दैट इज़ द बेस्ट वे. लेकिन अगर इन पर्सन नहीं भी मिल सकते हैं तो दोस्तों तो आप क्या करें कि एक ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं. आज की डेट पे इतना आसान है, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑल पॉसिबल टुडे. या आप क्या कर सकते हैं कि एक वीडियो मैसेज भेज सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, किसी भी फॉर्म में. एंड द बेस्ट पार्ट, अपने हैंड रिटन एक थैंक यू नोट, उस मतलब फिजिकल मेल से आप मेल भी कर सकते हैं. इवन इफ़ यू हैव अ पिक्चर विद दैट पर्सन विद यू, मे बी यू कैन सेंड दैट फोटोग्राफ 10-20 ईयर्स एगो. तो इतनी बड़ी खुशी आपको भी मिलेगी और उस इंसान को भी मिलेगी जो ये आपका थैंक यू नोट रिसीव करेगा. तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कभी कभी कि बहुत आपको अच्छा लगता है, आपको भी इससे बहुत प्राउड फीलिंग होती है और जिसकी आप हेल्प करते हैं उसको तो प्राउड फीलिंग होती है. फॉर इंस्टेंस बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, कुछ लोग इसमें भी जो सुन रहे हैं वो रियल इस्टेट में, यहीं पे कैनेडा में और फॉर दैट मैटर एनी वेयर इन द वर्ल्ड आप रियल इस्टेट में होते हो. रियल इस्टेट में क्या होता है, आपका रिलेशनशिप आपके क्लाइंट से होता है, उसने आपसे घर खरीदा या आपके थ्रू उसने घर बेचा. अब आप क्या करें कि आप पता करें, जैसे भी आप पता कर सकते हैं कि उनके हो सकता है कि आपके क्लाइंट जिसने आपसे के साथ ट्रांजैक्शन किया है और उस क्लाइंट का कोई बेटा या बेटी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, तो आप क्या करें, $1,000 का, $500 का, जितना भी है एक चेक काट के उनको मेल कर दें, या अगर आपके पास वक्त है तो जा करके जस्ट ड्रॉप बाई एंड से दैट मिस्टर शर्मा और मिस्टर सिंह और मिस्टर जॉन हूएवर इट इज़ दैट यू नो कंग्रेचुलेशन दैट योर डॉटर इज़ गेटिंग यू नो टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, दिस इज़ little you know a token of thanks from my side. Just give that to the person. Yeah, or that is a, you know how great that person never expected from you, but you did it.
Yeah, you are making $10,000, $20,000, $30,000, $50,000, sometimes $100,000 your commission, and you cannot manage to skip $1,000. You know, if he or she, अगर आपने ऐसे 10 लोगों किया, अगर किसी एक ने भी उसको रेसिप्रोकेट किया और आपको एक कोई ट्रांजैक्शन और करवा दिया तो आपको तो कई गुना वापस आ गया. छोटी सी बात है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप. देखो रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि द बेस्ट गिफ्ट यू नो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए वो है अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट. तो आप क्या करें कि जो आप गिफ्ट दे रहे हैं, कभी कभी गिफ्ट क्या होता है, जो आप देने वाले हैं लेने वाले को भी मालूम क्या गिफ्ट मिलने वाला है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जस्ट गो लिटिल एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दें, जो एक्सपेक्टेड था उसमें कुछ और ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो दैट पर्सन विल नेवर फॉरगेट यू. इट कैन बी योर ओन वाइफ, इट कैन बी योर ओन फैमिली मेंबर. या सो मैंने एक एग्जांपल दिया रियल एस्टेट का कि आप $1,000 का चेक काट के दे सकते हैं, आपके क्लाइंट के बच्चे एडमिशन में हो रहे हैं वो दे सकते हैं, या यू नो घर में बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, डक्ट क्लीनिंग होती है, विंडो क्लीनिंग होती है, कारपेट क्लीनिंग होती है, यू नो यू कैन गिव जस्ट गिव सर्टिफिकेट, एंड नॉट ओनली दैट यू कॉल एंड सेंड, हे समबडी इज गोइंग टू कम दिस वीकेंड, आर यू अवेलेबल टू डू द कारपेट क्लीनिंग जस्ट फॉर एज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई साइड. कैन यू अंडरस्टैंड, स्मॉल स्मॉल थिंग. या A person expects from you, no matter how big thing it is, doesn't have that impact. But if the person doesn't expect from you and you do it, oh, big one. My dear friend, that is a big one. Yeah? So that is all about, you know, expected things. Sometime for your own parents. आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे नहीं बोलेंगे कि हमें स्विट्जरलैंड घूमना है या हमें ये खाना है, हमें ये शौक है, वो हिचकिचाते हैं. कुछ पेरेंट्स बोल भी देते हैं, तो आप क्या करें, किसी और के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू या नेबर के थ्रू पता करवा सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है, क्या उनका ड्रीम था, क्या उनका एक कहीं जाना था, और पता करवाएं. फिर आप क्या करें, उसको आप, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहीं से पता करवा के और वो गिफ्ट आपने उनको दे दिया. अब क्या होगा कि इससे कितनी बड़ी खुशी उनको होगी. वो भले उसको एक्सेप्ट ना करें कि रहने दो बेटा बहुत खर्चा होगा ये होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों. तो जो भी गिफ्ट आप दे रहे हैं किसी को, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जा करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. एक तो वो कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि आप वो गिफ्ट दे सकते हैं लोगों को जो आपसे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, और उससे उनको इतनी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी. और ये जो रैंडम एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्लेजेंट सरप्राइज, कीप डूइंग दीज सरप्राइजेस. हम लोग क्या करते हैं अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में, वहाँ पे बड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि वहाँ से हमें पैसा आना होता है, लेकिन आज आपके पास जॉब है कल नहीं रहेगी. लेकिन दोस्तों हमारी जो फैमिली है, हमारे जो अपने बच्चे हैं, और हम हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, सब यू नो लोग होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा साथ चलते हैं, तो इनके ये सरप्राइज गिफ्ट doesn't work always. You can say, राकेश जी हमारे अपने खुद की फैमिली मुझे ऐसा कभी कभी थोड़ा सा नहीं उतना कम्फर्टेबल लगता है. अरे तो ऐसे लोग होते हैं फैमिलीज में, लोगों में, कि आपको नहीं लगता कि हम करें क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको दुख देती होते हैं, तो नहीं होता है. बट इन जनरल दोस्तों सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि हर फैमिली में हर रिलेशनशिप क्या कहते हैं कि नहीं काम कर रही होती है. उसमें कुछ रिलेशनशिप ज़रूर काम करती हैं, तो उन रिलेशन्स को जो हुच आर वर्किंग उनको और स्ट्रांग करने के लिए आप ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दे सकते हैं. और द रिलेशनशिप विच आर नॉट वर्किंग, अगर कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड आप गिफ्ट दे सकते हैं, तो हो सकता है दे अगेन स्टार्ट वर्किंग. इतनी पावर होती है दोस्तों में. होता है क्या दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है दैट पर्सन डजंट लाइक यू, या इट कैन बी योर ओन फैमिली मेंबर, इट कैन बी योर फ्रेंड, नेबर, हूएवर इट इज. सो समटाइम दैट पर्सन डजंट लाइक यू, दैट डजंट मीन दैट यू डोंट लाइक दैट पर्सन. डू नॉट मीन, या कोई आपको दुश्मन समझता है, जरूरी नहीं कि आप भी उसको दुश्मन समझें. आप उसकी कुछ क्वालिटी, या आपके साथ उसने लाइफ में या पास्ट में कुछ ऐसा किया कि उसके बेस पे आप उसको लाइक कर सकते हैं दोस्तों. और उसको आप एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो वो कोई पैसा हो सकता है, कोई एज आई सेड कुछ भी हो सकता है, एंड एज लिटिल एज इट कैन बी जस्ट सिंपल लाइक अ थैंक यू ईमेल, और थैंक यू कॉल, और थैंक यू ऑडियो मैसेज, और थैंक यू वीडियो मैसेज. तो ये है दोस्तों पावर हमारे
अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देने की। तो आई होप कि थोड़ा सा इसमें आपको अच्छा लगा होगा, कोई नई चीज़ हमने नहीं बोली है, लेकिन अगर इसको आप एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, स्पेशली फैमिली में, तो यू नो इतनी बड़ी बड़ी हम प्रोजेक्ट करते हैं, इतने बहुत बड़े हम प्लान करते हैं, तो हम जितने अपने फैमिली में मेंबर होते हैं, क्यों ना ऐसा हम एक इंटेंशनल करें कि अपने डायरी में या कैलेंडर में ये बना लें कि एवरी फैमिली मेंबर विल गेट सम अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम यू एवरी मंथ। ओके, सो माइंड इट, इट्स नॉट ओनली विद द मनी, समटाइम्स जस्ट योर टाइम, योर कॉल, जस्ट सिंपल योर हग, दैट माई डियर सन, thank you very much, I'm proud of you, you know, and just hug that person, I mean your son or your daughter or your wife, for little thing, that thank you very much for, you know, being in my life or doing this something, little thing, little gesture, you know. So kya hoga dosto, jab aap is irade se aap zindagi ko family life jiyenge ki hame koi ek aisa karan dhoondna hai ki hame unexpected gift dena us person ko, to kya hoga, sabse iska advantage kya hota hai dosto, ki ab logon mein achhaiyan dekhna shuru kar doge, yeah, kyunki आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट उनको देना, गिफ्ट आप उन्हीं चीज़ों में देंगे जो चीज़ें आपको अच्छी उनकी लगती हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो नेगेटिविटी है, जो ईर्ष्या है, जो जेलसी है, ये हमसे कोसों दूर भागेगी, और इसी को हम मेडिटेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ मेडिटेशन, नो थाट्स इन योर माइंड, दैट इज़ द बेस्ट मेडिटेशन, और एटलीस्ट अ पॉजिटिव थाट, हैप्पी जॉयफुल थाट। तो जब आप इस इंटेंशन से, इस उद्देश्य से आप जिएंगे कि हमें जो भी हमारे रिलेशनशिप पे लोग हैं उनको हमें कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देना है, टू स्टार्ट विद फ्रॉम योर फैमिली मेंबर, तो आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे अच्छाइयाँ उनमें हर दिन, हर हफ्ते, बिकॉज एक को कम से कम हर महीने आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देना है। फिर क्या होगा धीरे धीरे दोस्तों, पहले आप वन साइडेड करेंगे, धीरे धीरे वो फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स या नेबर्स, वो भी यू नो ये नॉर्मल नेचर का लॉ है कि रेसिप्रोसिटी जो होती है, रेसिप्रोसिटी जो होती है वो काम करती है दोस्तों, कि आप किसी के साथ करते जाएं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आदमी वापस में वो रिप्लाई करता है, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड the relationship. So दोस्तों, I hope कि कुछ वैल्यू मैंने आपको आज दी होगी और अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीक में कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ज़रूर देंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू वांट टू शेयर विद मी किसको आपने दिया और क्या रिस्पॉन्स रहा, आप मुझे मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं। एक मैं अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देता हूँ, लगभग डेली दो चार देता हूँ, वो क्या होते हैं दोस्तों कि अभी लिंक्डइन है, लिंक्डइन में इस समय कम से कम ऑलमोस्ट 22,000 फॉलोअर हो गए हैं, बहुत बड़ी नंबर होती है 22,000। तो क्या होता है कि डेली 10-20 ऐसे मिनिमम 10 डेली मैसेजेस आते हैं IM के थ्रू उसमें लिंक्डइन में कि सर आई नीड टू माइग्रेट टू कैनेडा, आई नीड टू चेंज माई कैरियर, आई एम स्टार्टिंग माई कैरियर, सम गाइडेंस एंड एडवाइस। तो क्या होता है कभी कभी कि उनके आप प्रोफाइल में कांटेक्ट में जाओ तो उनके फ़ोन नंबर भी होते हैं, या मैं अगर प्रोफाइल चेक करता हूँ अच्छा लगता है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ ओके व्हाट नंबर यू कैन बी रीच्ड, अगर मेरे पास टाइम होता है तो, और बहुत सारों में तो नंबर ऑलरेडी लिस्टेड होता है, और क्या करता हूँ कि नंबर वो भेज देते हैं, एंड देन एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद, सडनली यू नो आई जस्ट गिव अ कॉल टू देम इन इंडिया और इन अदर कंट्री, एंड जस्ट टॉक टू देम एंड हेल्प देम। सो दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मुझे कॉल करके एडवाइस एंड गाइड देगा, और मैं कॉल करता हूँ कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और वो उनका दिन सुधर जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोगों को बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कैनेडा आ रहे हैं जॉब वीज़े पे या वर्क वीज़े पे या PR लेके, तो बोलते हैं PR हो गया, और बोलते हैं सर हमें जॉब मिलेगी कि नहीं IT में, मैं बोलता हूँ नहीं मिलेगी, कहने का मतलब है कि मजाक करता हूँ कि आपने PR हो गया, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल गई, आप आ रहे हो, इन चीज़ों को सोचने से क्या फ़ायदा, यहाँ पे आओ सब होगा। यहाँ पे कैनेडा में या अमेरिका में जब लोग आते हैं तो केवल जॉब के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे जब आप माइग्रेट होकर आ रहे हो तो आप अपनी लाइफ के लिए आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे केवल पैसे के लिए नहीं भागोगे, 3-4 साल 5 साल भागोगे, उसके बाद ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं पूरी ज़िंदगी और भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे यू लिव योर लाइफ, और sooner or later you realize that life is more important than accumulating the money, accumulating the big car, big house and the big bank balance. You need not to have that.
believe me. For what? Simple. Because once you are coming to Canada, free medical system hai yahan pe, aur system bhi yahan pe aisa hai, quite comfortable. Of course, you need to have some money, but same time, you need, you know, your physical fitness, your relationships, those are more important than accumulating the money, ladies and gentlemen. That's what I'm trying to say here. So, yeah, so that was a kind of, you know, unexpected gift I gave, that I called to the people and advised them, sometimes guide them about their career, about their business. Sometimes I just guide them, the job is not good for you. You supposed to start the entrepreneurs. I mean, today is the best time. So you might have seen life management system. So that is my coaching program. So under that, I provide coaching to my clients. So this is like one of the little things, you know, part of my under the family segment, which I coach my clients. So I thought I will share. So that's how, like every week on Monday, I'll be taking one such topic and I'll be sharing this, you know, the free coaching on air on that topic. So with that, my dear friends, ladies and gentlemen, before I end this session, as always, I keep, you know, shout out to the names who joined here today. So let me, so the very first one who joined today, that was Rehan Kidway Sahab. Thank you very much. So with Rehan Kidway, I had a session with him, like I think I spent 1 or 2 hours at Tim Horton, some kind of the coaching session that was last year. Yeah. So thank you very much. And Guru Bachan Mongaji, thank you very much. You always have been, you know, my regular listener. And thank you. Thank you very much. Long lasting association, you know, with you. And you are a wonderful human being. And Vikas Singhji, thank you very much for joining me live. And Manojha, another a wonderful man. I met him in his house. And he has a wow, a genius a kid, you know. Hamare Unantastri Samir Sahab, in a prolific writer, inko main abhi pichle kya 2 din pehle hi ek naya naam diya hu. Inke jo shabd hote, inke jo likhne ki shaili hai, oh, he writes the article for the newspapers and his zabardast. Inke shabd jo hote hain, jaise alankar bole jaate the na hindi mein, alankar kya hote the, alankar jaise aabhushan hote hain aurat ke liye, us tarah se alankar hote hain bhasha ke liye. To isi tarah se hamare Samir Sahab ke jo shabd hote hain wo ek aabhushan hote hain unke vakya roopi aurat ke liye. To maine unka naam diya hai ki shabd guru. So shabd guru, to shabdon ke guru hain hamare Samir Sahab. So thank you very much for coming live. And Rajni Arya, first time all the way from Allahabad. So thank you very much, Rajni, for joining. Hope you find something useful today. So give some surprised gift to my friend and your husband, Sanjeev Arya. So she's wife of my classmate, Sanjeev Arya. And with that, here is comes, you know, Melina Ashadgi. Thank you very much. Some of the name looks like, you know, little English understanding name. And this show is a Hinglish show, that is a Hindi and English, Indian national language, Hindi. And of course, in Canada, we speak French and English and majority English here in GTA. So I feel really, 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 really happy when I get chance. जिसमें मैं हिंदी में शब्दों को बोलता हूं तो बहुत अच्छा लगता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एनीवे. एंड देन टोराज अघाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग. आई होप यू आर एबल टू हैव एटलीस्ट यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट फॉर टुडे. एंड बी एन द्विवेदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग टू मी. टोनी सिंह, थैंक यू वेरी मच. एंड हमारे आर्थर शेरी साहब, यू नो MS Talks, you know, he's a founder of MS Talks and he's creating the revolution in that part of the India from New Delhi, and now he's spreading across different cities. So he is a kind of, you know, the person who's creating really the wave and, you know, big way, helping to our youth today. Going great job. Salute you, Arthur Seri. Keep doing the great work. And we need, the world need, you know, the leaders and initiators like you. You are doing a wonderful job, my dear friend. Keep doing it. And Anvish Pal Sahab, thank you very much for joining. Diange Dagyano Maniko, thank you very much for joining. And Samir Chaturvedi ji, thank you very much for joining. And this name always comes with the Chinese. I don't know who's that. So if you can type your name, that would be really great. Rajneesh Mishra ji, thank you very much for joining. Amit Mishra Anand, thanks a lot
for joining. And Sadhola Bhai Sahab, thank you very much for coming live. Vinay Sripad, my dear friend, all the way from San Diego, Santa Clara area. Thank you very much. Sorry, Santa Clara, not San Diego. Thanks a lot for joining. Tejas Patel, thank you very much. Hamare Manish Babu, from all the way from my native city, Raebareli. So thanks for joining. And Manish Patel, thank you very much. Vinay, once again, thanks a lot. And Hamare Divakar Anshuman Vyasji, thank you very much. And Shaugata Banerji Ji, thanks a lot for joining, and hope you got some value. So my dear friend, once again, thank you very much for joining. So as the today's topic was the best gift for long lasting relationship, and the best gift is unexpected gift. Yeah, the person never dream of that gift from you. If you can give to that person, oh, you made his or her life, and that is going to make your relationship long lasting and a strong one. And this gift nothing to do with the value. You have to give $100,000 gift then only. No, it's just attention. We all seek attention. We all feel to be empowered. We want to feel empowered. We want to feel important. So yeah, so just little attention, like, you know, that, you know, they never expected that, you know, you are going to get, you know, some note or some thank you or some love, some attention, just give to that person. And that is the life changing, my dear friend. That is the best gift we can all give. Okay. So at last, you know, so this is the end of the show, my dear friend. Whoever joined late, you can go and listen it again. So Kapil Dev, thanks for joining once again. Please do listen if you want to. And with that, making a promise ki hum agle show mar ko phir isi time pe kisi ek naye topic ke saath aapke saath hum phir se milte hain. So with that, thank you very much once again. Salute to you, and have a wonderful, wonderful, blessed week ahead. And do and give to someone that unexpected gift and see the change in that person, either family member or is a non-family member. You will see what I mean. It works. Thank you. Bye-bye.